दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ अंबेडकर भवन में, रानी झांसी रोड दिल्ली के अंबेडकर भवन में हूँ। और आज एक चीज़ देखने को मिली है जो कहते हैं कि संगठित रहने वाली बात। आज संगठित का एक नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो ये है कि दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। प्रदेश मतलब दिल्ली, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। एक नागपुर से हैं और एक दिल्ली से हैं। दोनों का स्वागत है। और आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो धर्म परिवर्तन किया था 14 अक्टूबर को, उसी के उपलक्ष्य में आज अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म में आए थे। और वो दिन था विजयदशमी का, यानी दशहरे का। तारीख वही है और दिन बदलते रहते हैं, पर धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं वो मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले नागपुर से चंद्रबोधी पाटिल जी से बात करना चाहूँगा। सर, दिल्ली में आपका तो पहले तो स्वागत है और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ अम्बेडकर भवन में हो रहा है और कल मेरठ में आप आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? नमो बुद्धाय। जय भीम। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने 5,00,000 अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उसके दो दिन के पश्चात 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में बैरिस्टर राजाबाहू खोबरागडे जी, इनके आग्रह पर बाबा साहब ने 3,00,000 लोगों को दीक्षा दी थी। इस तरह से दो दिन में 8,00,000 अपने अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी 14 अक्टूबर। और ये जो अशोक विजयादशमी का दिन था और उसी उपलक्ष में यानी बाबा साहब ने जो दीक्षा दी, तो आज 65 वर्ष हो गए हैं दीक्षा दिए हुए। बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की थी 1954 में और रजिस्टर हुआ था 4 मई 1955 को। और इसी संस्था के माध्यम से जो नागपुर की दीक्षा भूमि पे जो दीक्षा समारोह हुआ था, इसी संस्था के माध्यम से हुआ था, क्योंकि उसके पूर्व ऐसी कोई भारत में बौद्धों की कोई संस्था नहीं थी। तो बाबा साहब हमारे बीच में बहुत कम समय रहे और जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी धम्म का प्रचार प्रसार करने की, अपने अपने तरीके से करते आ रही। आज इतने वर्षों के पश्चात भी पूरे, अभी जैसा मैं कहूँ कि अभी मैं इसी माह में लद्दाख गया था, लेह में एक हमारी कमेटी बनी है लद्दाख में, और वो 23वीं हमारे भारत में 23 प्रदेशों की वो कमेटी है लद्दाख में, इधर गोवा की बनी है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब कोर्ट कचहरी का कोई मामला नहीं है, क्योंकि हमने 34 साल इसमें गंवाए हैं। हमारे समाज का बड़ा नुकसान हुआ है, जो धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे किसी का कोई स्वार्थ भी नहीं है। मैं रोकूंगा आपका। हाँ जी, जिस तरीके से आजकल विचारधारा चल रही है, राजरतन जी कहते हैं कि बाबा साहब ने समाज के लिए बहुत काम करा, लेकिन आज मैं बाबा साहब के माध्यम से, मैं उनका परपोता होने के नाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या बाबा साहब ने परिवार के लिए काम किया या समाज के लिए काम किया? बाबा साहब ने समाज के लिए काम किया। और बाबा साहब कभी ऐसे जनरल इसमें कभी भी किसी से यानी समाज से नहीं मांगते थे। और जो उनको मदद के लिए जो थैले अर्पण करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, तो बाबा साहब ने जैसे 1,21,000 रुपये जमा हुए थे, तो बाबा साहब ने उस पैसे से अम्बेडकर भवन जो नागपुर में मुंबई में है उसकी जगह परचेज की थी। साथ में जो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस वो भी लगे थे, और जो बचे हुए पैसे थे 30,000 रुपये बैंक में जमा थे। तो बाबा साहब ने एक एक पैसे का हिसाब देकर कि ये जो पैसे है, लोगों ने पूछा कि आप क्यों हिसाब दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कल को मैं नहीं रहूँगा,
और तो मेरे परिवार के जो मेरे पुत्र बोलो या मेरे परिवार के लोग उसमें दावा करेंगे, ये बाबा साहब का सोच है। तो ये तो बाबा साहब के एकदम विरोध में हो गया कि मैं लोगों से पैसा मांगना और ये, और वो अधिकृत भी नहीं है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। जब हमारे पास उसका पैन कार्ड है, हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का अकाउंट है, तो ये दूसरा अकाउंट खोलने का और दूसरा पैन कार्ड ये करने का, ये भी गैर कानूनी है। पटेल साहब, बड़ा एक क्वेश्चन अटपटाया आपको, इसमें थोड़ा सा बुरा भी लगेगा कि महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब ने जन्म लिया और यहाँ बाबा साहब के जो विचारधारा या मिशन को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वही महाराष्ट्र के लोग हमारे उत्तर भारत में आके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने शब्द क्या बताया, गुमराह कर रहे हैं करके जी। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो संस्था के बारे में जानता है, ठीक है ना, तो उनको तो गुमराह होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसा वो परपोता की बात करते हैं, परपोता बाबा साहब का परपोता हूँ, बाबा साहब के जो बड़े भाई थे आनंद राव, उनके पुत्र मुकुंद राव, मुकुंद राव के पुत्र अशोक राव, और अशोक राव के पुत्र ये हो गए, मतलब भाई का ये परिवार हो गया। और बाबा साहब का जो परिवार था, भैया साहब अम्बेडकर, मीराताई अम्बेडकर, उनके तीन पुत्र जो बाबा साहब के पोत्र कहलाते हैं, प्रकाश राव, बाड़ा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और आनंदराज अम्बेडकर, और एक उनकी सिस्टर रमाबाई जो डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जी की पत्नी। तो इस तरह से बाबा साहब का जो खून का जो रिश्ता है तो ये है साहब के खून का हो। अभी तो वो परपोता लिखना बंद किया, बोलते अम्बेडकर परिवार से होकर के, मैं बैनर देखा मैंने वो सुमित रत्न के साथ में, लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर ये किया कि परपोता कैसा है भाई तू। और ये जगदीश गवई ने भी वो वीडियो डाल के ये बोला था कि ये इनका। और देखे, ये समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं, मेरा ये राजरत्न अम्बेडकर ने, मीराताई अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों के खिलाफ जो है सिटी सिविल कोर्ट में केस डाली हुई है, अभी भी चल रही है। तो जब ये परिवार ही यानी साथ में नहीं रह सकता तो समाज को क्या हम इकट्ठा करने की बात करेगा। सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके का बयान देना कि भाई जो बुद्धिस्ट है, जो जो बुद्धिस्ट कल्चर है या बुद्धिस्ट भाषा है, उसको एक ताले में बंद कर दिया है, नहीं, ये तो गलत बात है। क्योंकि विद्वान कोई यही अकेला ही पैदा नहीं हुआ अपने समाज में, तो काफ़ी महाराष्ट्र में भी काफ़ी साहित्यिक और काफ़ी विद्वान लोग हैं और प्रचार प्रसार किया है बाबा साहब के विचारों का, बौद्ध धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ है। और ये कहना कि नहीं भाई इन्होंने ये किया, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए जो ह्यूमर जो फैलाया जाता है उसके तरफ ध्यान न देते हुए वास्तविकता को आपको, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, आपने यानी लोगों के सामने लाना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सीएम पिपल साहब, बहुत अरसे से आपने पूरा जीवन ही मतलब बहुत धर्म बिताने का काम किया है और आज आप पे आलछन लगाए जा रहे हैं कि आपके माध्यम से यहाँ बौद्ध धर्म पर और जो प्रचार प्रचार है उस पर ताला लगा दिया गया, सीधे सीधे कटा। देखिए, लाछन तो कोई लगा सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है कैसे भी लगाए, लेकिन ये सब अज्ञानता के कारण है। जिसके अंदर जितना ज्ञान होगा उतना ही बात रखेगा, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण वो अंधकार में भटका हुआ है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कब बात कहाँ बोलनी चाहिए और कैसी बोलनी चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।